अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाएं PMYT कोड और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, तो ध्यान रखिए PMYT कोड लगाना मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। गाइस, यहाँ पे SSC CGL 2021 के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं, अब आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी देखेंगे और कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे कब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करेंगे, सब इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं। गाइस, आपका जिस भी डेट पे एग्जाम है उससे 4 दिन पहले ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए जिन भी कैंडिडेट का 11 तारीख को एग्जाम है वो आज से ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट का एग्जाम 12 तारीख को होगा वो यहाँ पे कल से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर पाएंगे, एज सो ऑन। जैसे जैसे आपका जिस भी डेट पे एग्जाम पड़ेगा उससे 4 दिन पहले आप यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अब गाइस, बात करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। गाइस, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप लोग पहली बार ये एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इनका ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको फिर एग्जाम सेंटर पे जाकर के प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो आपको अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होगा और ध्यान ये देना होगा कि आप जो भी आईडी कार्ड लेके जाए एडमिट कार्ड के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ही आपके आईडी कार्ड के अंदर मैच होनी चाहिए। आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, या फिर आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। आप यहाँ पे ये वाली बात ध्यान दीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ दोनों के अंदर सेम होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वो एग्जाम के अंदर आपको नहीं बैठने देंगे। दूसरी बात यह है, यहाँ पे सेम यही चीज लिखी हुई है, ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है और डेट ऑफ बर्थ दोनों के अंदर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मिसमैच की केस में आपको यहाँ पे वो लोग नहीं बैठने देंगे। साथ ही आपको यहाँ पे अपनी 2 फोटोग्राफ्स भी लेके जानी है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपनी 2 फोटोग्राफ और साथ ही यहाँ पे अपना आईडी प्रूफ आप लोग वहाँ लेकर के जाएं। अब आप लोग यहाँ पे कैसे डाउनलोड करेंगे, तो 3 तरीके से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। पहले यहाँ पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, फादर्स नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप लोग अपना रोल नंबर अगर आपको पता है तो रोल नंबर, फादर्स नेम डाल करके, डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरा तरीका है कि आपको ना अपना रोल नंबर नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे अपना कंप्लीट नेम, अपने फादर का नेम डाल करके और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके फिर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि मल्टीपल डाउनलोड भी, ज्यादा डाउनलोड भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड अटेम्प्ट होता है आपके पास डाउनलोड करने के लिए भी। होप सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है और क्या क्या चीज सेंटर पे यहाँ पे लेके जानी है। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज है अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT, JEE नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।